Assalamualaikum viewers, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी दफ्तर के अंदर, और मरकजी दफ्तर में आप देख सकते हैं, मेरे बैग पे आप देख सकते हैं कि ये मरकजी दफ्तर है, और जहाँ पे अभी जियानों मतवालों की तादाद जो है वो कम नजर आ रही है। और अभी तक की जो मीडिया अपडेट्स के मुताबिक है, राव हसन सिकंदर और नाजन हर जज के दरमियान जो लीड थी वो अभी 6,000 तक की नजर आ रही है। अभी जो है गैर सरकारी गैर आदमी नतज के मुताबिक जो लीड है, जो नाजन हर जज साहब की लीड जो थी वो काफी भारी नजर आ रही थी, लेकिन अभी 1:15 हो चुके हैं और ओकाड़ा से गैर सरकारी गैर आदमी नतज के मुताबिक सिर्फ 6,000 की लीड जो है वो बाकी रह गई है। इसलिए अभी हमें यहाँ पे चले मतवालों से जब हमने पूछा कि यहाँ के सारे मतवाले कहाँ हैं, तो उनकी जानिब से ये कहना था कि सारे मतवाले इस वक्त कचहरियों में गए हैं, जज साहब के पास गए हैं, और उनको ये शक है कि शायद रिजल्ट को बदलने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में हम यहाँ पे चालों से बात भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि इस वक्त वो क्या समझते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे अभी बात के इस महल जो गैर सरकारी गैर हस्ती बताई जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत गलत है, पूरे रिजल्ट जो आए थे लीडों के साथ आए थे, और अब सारी आवाम होगी पीटीआई वालों की, दोबारा 92 वालों ने एक बहुत बड़ा छापर फेंक दिया कि रियाज जाज साहब भी मकसद कहने का हार रहे हैं, और मुनीबुल हक साहब भी हार रहे हैं, ऊपर से मियां जावर जमान साहब भी हार रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी लीडें आई हमारे पास। तो आप क्या समझते हैं अभी, क्योंकि गैर सरकारी है, गैर हकूमती है, तो आप बिल्कुल लादरी हो रही है, बिल्कुल ये गलत बात है, बिल्कुल गलत हो रहा है, इन नतज से आप मुतफिक नहीं है जी? और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप क्या कहेंगे? हमारी तकरीबन 48,000 थी, हमारे पास रिजल्ट भी है सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये हमें बेगैर भी है, ठीक है, ये घटिया बात दिखाया है। जी, और दोस्तों से भी बात करते हैं, सामने को यहाँ पर तकरीबन जो है साढ़े 11 बजे तक हमने जुलूस निकाल कर सब जीत के चले गए, और अब जाग जाग कर आ रहे हैं कि हम जीते हुए, ये कैसे हो सकता है कि जब वो हार के सो गए और अब जीत गए? अच्छा, आप क्या कहते हैं कि अभी भी आप समझते हैं कि ये गलत फैसले हैं, और गलत फैसले हैं अभी तक जो फैसले हैं बना रहे हैं? दोबारा से अपडेट करना चाहूंगा कि सरकारी गैर सरकारी गैर हकमी नतज है, और इन तमाम नतज के ऊपर अभी जज्बात को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन आप क्या पूरा असर है जीत के लिए? इंशाल्लाह कल हम उठे जीते हुए हैं, हम हर तरह के उससे लड़िए, और जो इंशाल्लाह हम 20,000 की ज्यादा की लीड थी, ये कैसे चेंज हो गया, ये किसी को ये कैसे हो सकता है? ये तो सरासर ना इंसाफी है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि इस वक्त कैंप के बहुत सारे जो जाने मतवाले हैं उन्होंने रुख किया है कचहरी का, ताकि वो जान सके कि जो मीडिया पे ब्रेकिंग चली है, जो मीडिया में न्यूज चली है, क्या उसमें कुछ सच है या नहीं है। आप ओवरऑल देख सकते हैं चारों तरफ, ये कैमरा मैन से मेरी गुजारिश है कि वो जरा दिखा दें चारों तरफ। एक और दोस्त से यहाँ पे बात करते हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग रूल को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनसे जानते हैं कि अभी मौजूदा सूचना रात के 1:15 पे वो क्या कहेंगे, और यहाँ पे जो अचानक से जो जाले और मतवाले जो यहाँ से गायब हो गए उसकी वजह क्या है? जी सर, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग रूल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हम बहुत अच्छी स्पीड में जो रिजल्ट साहब कामयाब हुए हैं, और ये हमारे पूरे उगाने वालों की मेहनत और मोहब्बत का सिला है कि दोबारा रिजल्ट को कामयाब करवाया है, और आइंदा भी इसी तरह इंशाल्लाह रिजल्ट जो रिजल्ट को कामयाब कराते रहेंगे, और हमाम के जो छठे माता समुद्र भी आ रहा है रात के 1:30 बजे, लेकिन हमाम खुशी से सोए नहीं रहे, नींद नहीं आ रही, खुशी से दीवाने हुए हैं। अच्छा, अभी जो गैर सरकारी गैर हकमी नतीजे के हवाले से कुछ लोग अभी बात कर रहे हैं कि शायद धांधली के चांसेस हैं, और अभी कुछ जो यहाँ के आपके वर्कर्स हैं उन्होंने रुख किया है कचहरी का, तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? अभी तक जीत के लिए मुरासिब हैं क्या, ये
ये जो मीडिया पे चलने वाली ब्रेकिंग है वो उसके बिल्कुल बरखिलाफ है, क्या क्या कहेंगे आप? बरखिलाफ है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और हमारे लीडर हमारे बड़े ये हुए वो डीसी साहब के पास, और इंशाल्लाह हमारे कोई फैसला आएगा और हम इंशाल्लाह शेर इकबाल शेर। तो नाज़रीन आपने सुना ये पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से इस वक्त जो यहाँ के वर्कर्स हैं बता रहे अपडेट। इसी तरह हमारे साथ रहिए, सीवी ओकाड़ा के साथ रहिए, facebook.com/सीवी ओकाड़ा पे रहिए हमारे साथ, हम रखेंगे आपको ओकाड़ा के जिला जिला और पूरे कोने कोने से अप टू डेट। पाकिस्तान जिंदाबाद।